मैडम आपने कल अमित शाह को जवाब दिया था लेकिन आज उन्होंने कहा 2020 एब्रोकेशन ऑफ आर्टिकल जो है डेडलाइन होगी। तो समझ लीजिए जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ अलहदगी भी वही डेडलाइन होगी। तो आपको लगता है अनंतनाग में तीन फेज में चुनाव करवाए जा रहे हैं, सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है, क्या चुनौती रहेगी और क्या रणनीति होगी इन चुनावों में? देखिए हमेशा ये तो पहली बार अनंतनाग से हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, पहले भी लड़े हैं हमने इलेक्शन। इंशाल्लाह यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा बाशूर हैं, इलेक्शन को समझते हैं और इंशाल्लाह पहले की तरह इस बार भी इलेक्शन बहुत अच्छे होंगे। मैडम कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे आपकी रिएक्शन, कांग्रेस के मैनिफेस्टो देखिए उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि एक बार फिर से पीडीपी का जो एजेंडा है, जो एजेंडा ऑफ अलायंस में भी हमने रखा था जिसमें हमने कहा था 370 में स्टेटस को होना चाहिए, कांग्रेस भी वही कहती है। हमने कहा बातचीत होनी चाहिए, कांग्रेस भी वही कहती है। हमने कहा एसपा को रिवोक होना चाहिए, आज कांग्रेस भी वही बात कहती है। हमने मैडम सिविल एरिया से फौज को निकालना चाहिए। इसका मकसद ये है कि जो जो बातें हमने एजेंडा ऑफ अलायंस में बीजेपी के साथ रखी थी, जो पीडीपी के एजेंडे का हिस्सा है, आज मुझे खुशी है कि कांग्रेस ने भी उन्हीं बातों को अपनाया।